अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चन्नी का जायका। दोस्तों आज हम आपके सामने बहुत ही जबरदस्त टेस्ट तवा फिश फ्राई बनाने वाले हैं। इस तवा फिश फ्राई आप भी जरूर बनाना क्योंकि बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनने वाले है। एक बार आप जरूर बनाना क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनने वाले है। एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरह बना के खाते रहिए। चलिए बनाएंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए हमने यहाँ काटला फिश को लेके ही ये 1 किलो फिश है। देखिए इसे अच्छी तरह साफ 2-3 पानी से धो के रख लेना है। यहाँ हमने चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक को लिए हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिली पाउडर। इन 3 चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिश को लगाना है। ये अब अच्छी तरह मिक्स हुआ है। देखिए इसी तरह मिक्स करने के बाद स्प्रिंकल करेंगे, यानी अच्छी तरह हाथों से लगाएंगे फिश को। देखिए इसी तरह अलट पलट के सब पूरी मछली को सब लगा लेना है। इसी तरह लगाने से और भी टेस्ट बढ़ेगा। इसे दूसरे मसाले भी लगाना है। रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट रखे तो बस ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा। देखिए ये अच्छी तरह अब पूरी फिश सभी रेडी करके रखे हुए हैं। तब तक हम दूसरा मसाला बनाएंगे। देखिए अलट पलट के पूरी मछली को सब हम मसाला लगा के रखे हुए हैं। मसाला बस नहीं आया तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए। यहाँ हमने 1 प्लेट लेंगे, इसमें 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा कलर को डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है। चावल का आटा 2 टीस्पून। देखिए चावल का आटे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैदा और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक लहसुन के बाद थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। कड़ी पत्ता डालने से बहुत ही टेस्ट और भी बढ़ेगा। आपके पास कड़ी पत्ता रहा तो डालिए, नहीं तो स्किप करिए। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। देखिए इसी तरह मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिक्स करना है, ज्यादा पानी नहीं डाल लेना है। देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना चाहिए और पतला भी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिक्स कर लीजिए। ज्यादा पानी डालने से मसाला नहीं लगेगा। इसमें हम 1 नींबू लेंगे और 1 नींबू का रस डालेंगे। आपके पास नींबू रहा तो डालिए, नहीं तो आमचूर पाउडर भी डालिए, नहीं तो इमली का पल्प भी डाल लीजिए। देखिए ये अभी भी थिक है, इसमें हम और भी पानी डालेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है। ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखिए इसी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा ऑयल भी डाल लीजिए, 1 टीस्पून जितना, जो ऑयल रेगुलर डालते हैं इसे, इसमें 1 टीस्पून डाल लीजिए। अब हम मछली को मसाले के साथ लगा के रख लेंगे। देखिए इसी तरह अलट पलट के सब जगह मसाला लगना चाहिए। इसी तरह पूरी मछली को भी इसी तरह मसाला लगाएंगे। देखिए ये तैयार करके रखे हुए हैं। अब यहाँ हम तवा रखेंगे। आपके पास जो भी तवा है वो ही लीजिए, लोहे का हो या नॉनस्टिक का। नॉनस्टिक का लेने से बहुत ही जबरदस्त ये फिश बनेगी। एक एक करके आयल गरम होने के बाद थोड़ा सा आयल डाले ही हम 3 से 4 टीस्पून डालना है और धीरे धीरे से मछली को डालना है। देखिए इसी तरह
जितना हो सके उतनी मछली डाल लीजिए। हमने यहाँ 4 पीस डाले हैं और बचे हुए और एक बैच में फ्राई करेंगे। हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट इसी तरह पका लेना है और फिर 5 मिनट अलट पलट के पकाना है। दोनों तरह 2-3 बार अलट पलट के पकाना है। फ्लेम को मीडियम फ्लेम में कर लीजिए, नहीं तो अंदर से कच्चापन रहेगी और ऊपर से काली पड़ जाएगी। फ्लेम को कभी भी मीडियम फ्लेम में करना है। 10-12 मिनट में फिश अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। देखिए ये अभी भी थोड़ी कच्ची है, अभी हम 2 मिनट पकाएंगे अलट पलट के। आपको पलटने में दिक्कत लगेगी तो और एक स्पून या फोर्क लीजिए, इसी तरह पलटा के फ्राई कीजिए। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, आपके दोस्तों को भी शेयर करना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। देखो कितनी अच्छी फिश तवा बन के तैयार हो रही है, आप भी इसी तरह बना लीजिए। देखिए कितनी दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। अब हम डिश आउट कर रहे हैं। देखिए मसाला थोड़ा सा भी कच्चा नहीं है और अंदर से फिश भी अच्छी तरह पकी हुई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ना, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, आपके दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। देखिए इसी तरह नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आप इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।